राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके ने रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे से मुलाकात की और जबलपुर से मंडला पैसेंजर और नागपुर से मंडला पैसेंजर चलाने की बात की। अगर ये दोनों ट्रेन शुरू की जाती हैं तो वाकई में मंडला नैनपुर गोंदिया की जनता को दो और नई ट्रेनों की सौगात मिल जाएगी। इसी के साथ मंडला से भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। रेल राज्य मंत्री ने सांसद को आश्वासन दिया है कि उनकी इस मांग पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा और दो नई पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको बता दें कि रेलवे न्यूज़ नेटवर्क ने आज अपना एक साल पूरा कर लिया है। चैनल को आप सभी ने बहुत प्यार और स्नेह दिया, बिना आपके यह मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। मेरी सफलता आपको समर्पित है। ऐसे ही अपने भाई को बढ़ाने में सहयोग करते रहिए। एक बार फिर से दिल से आप सभी का धन्यवाद। मंडला जिले की राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके दिल्ली में रेल राज्य मंत्री श्री साहेब दानवे से मुलाकात करके मंडला जिले की बदहाल चल रही रेल सेवाओं को सुचारू तरीके से विस्तार करने के संबंध में रेल मंत्री के माध्यम से रेल मंत्रालय को एक लिखित पत्र सौंपा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंडला जिले से मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक समय में मंडला जिला एशिया का सबसे बड़ा और पुराना नैरोगेज लाइन टर्मिनल हुआ करता था, जिसे मिटाकर यहाँ ब्रॉडगेज लाइन में बदल दिया गया। इस ब्रॉडगेज लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और CRS भी कर दिया गया, लेकिन दुखद बात यह रही कि अब तक यहाँ से एक भी यात्री ट्रेन शुरू नहीं की गई हैं। जबकि मंडला जिले की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन 779,414 है। इस ज़िले में 9 ब्लॉक और 4 तहसीलें हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भाइयों, किसी ज़िले में स्टेशन बना हुआ है लेकिन उसकी तहसीलों से ट्रेनों का संचालन हो रहा है, ना कि उस ज़िले से। लेकिन अभी तक यह क्षेत्र रेल जैसी बुनियादी सेवाओं से बदहाल है। अब देखना यह होगा कि जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद इन ट्रेनों को 15 दिनों में शुरू किया जा सकता है या फिर एक नेताओं की हवाबाजी हो सकती है। साथ ही रेलवे बोर्ड मंडला जबलपुर पैसेंजर रेल सेवा और मंडला से नागपुर पैसेंजर रेल सेवा को कितना गंभीरता से लेता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।